यूपी में शराब पॉलिसी हमेशा से ही सवालों के घेरे में रही है। एक बार फिर से इसको लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। नई सरकार बनने के बाद सवाल ये उठ रहा है कि क्या योगी राज में यूपी की पुरानी शराब पॉलिसी बदलेगी, क्योंकि पिछली सरकार ने चुनाव से ठीक पहले आबकारी नीति में हेर फेर कर लाइसेंस को रिन्यूअल कर दिया था। पॉन्टी चड्ढा ग्रुप के पास ही शराब सप्लाई का ठेका है। बताया जा रहा है कि अधिकारियों की मिलीभगत से इसके पीछे एक बहुत बड़ा खेल हुआ। तो सवाल उठता है कि आबकारी की आड़ में जो खिलवाड़ हो रहा है वो क्या योगी राज में बंद होगा? यूपी में नई सरकार और नए सीएम आ चुके हैं। सूबे की कमान अब आदित्यनाथ योगी के हाथों में। सीएम की कुर्सी संभालने के बाद मंगलवार को संसद में अपने आखिरी भाषण में योगी ने साफ कर दिया कि आने वाले वक्त में यूपी में बहुत कुछ बदलने वाला है। उत्तर प्रदेश आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सपनों का प्रदेश होगा, देश का उत्कृष्ट प्रदेश होगा, भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश होगा, दंगों से मुक्त प्रदेश होगा। उत्तर प्रदेश में आप देखते रहिए, बहुत कुछ बंदी होने जा रही है वहां। आदित्यनाथ योगी के इन दावों की सबसे पहली और सबसे कड़ी परीक्षा सूबे की आबकारी नीति को लेकर होने वाली है। दरअसल पिछले अखिलेश सरकार ने विधानसभा चुनाव से ठीक पहले आबकारी नीति में हेर फेर कर पुराने लाइसेंस को रिन्यूअल कर दिया। यूपी में पॉन्टी चड्ढा ग्रुप के पास ये शराब सप्लाई का ठेका है। किसी भी दशा में ये नियम है कि जब तक शराब के ठेकों की नीलामी न हो तब तक शराब का ठेका किसी एक ग्रुप को या किसी भी व्यक्ति को दिया जाना पूर्णतः गैरकानूनी है, क्योंकि ओपन कंपटीशन के अभाव में ये अपने टर्म्स पर ठेका हथियाते रहे हैं। और इस वर्ष चूंकि इन्हें पता था कि हमारी सरकार बहुमत में नहीं आ रही है, और जब रिजल्ट और काउंटिंग शुरू हुई तो इसके पहले ही आनन फानन में सभी अधिकारी एकजुट होकर इन लोगों ने बैक डेट में शराब के ठेकों के आगामी वर्ष का ठेका, जो नई सरकार का अधिकार था, उसे नवीनीकृत कर दिया और बिल्कुल मिनिमम 10% 12% या 6% या 7% क्षेत्र के अनुसार बढ़ोतरी दिखाकर और उनसे लिखवा करके इसे आगामी वर्षों के लिए रिन्यू कर दिया है। ये प्रक्रिया पूर्णतः अवैधानिक थी। इसमें सीधे सीधे उत्तर प्रदेश सरकार के सैकड़ों करोड़ रुपए के राजस्व की हानि हुई है। यूपी में पिछली सरकारें आती और जाती रही, लेकिन पॉन्टी चड्ढा के शराब के साम्राज्य की ओर कोई आंख उठाकर नहीं देख पाया। चाहे मायावती की सरकार रही हो या फिर अखिलेश की, यूपी में शराब का कारोबार चड्ढा ग्रुप के हाथों में ही रहा। अखिलेश सरकार पर चड्ढा ग्रुप का प्रभाव इस कदर था कि विधानसभा चुनाव से पहले ही उन्होंने 2017-18 की आबकारी नीति को मंजूरी दे दी। पिछली सरकारों पर शराब के सिंडिकेट का असर इस कदर था कि एक अफसर 3 साल से ज्यादा वक्त तक आबकारी आयुक्त के पद पर तैनात रहा। के उनके पुत्र या उनका ग्रुप आज भी उतना ही प्रभावी है और उन्हीं टर्म्स पे काम कर रहा है जिन पे पॉन्टी चड्ढा किया करते थे, और उनमें पूरा सहयोग उत्तर प्रदेश शासन के वरिष्ठ अधिकारियों ने दिया है। इसीलिए इनकी मर्जी के हिसाब से शराब विभाग में हमेशा से आबकारी आयुक्त तथा प्रमुख सचिव आबकारी तथा कुछ प्रमुख शहरों के जिलाधिकारी, जहां शराब का व्यवसाय अच्छी खासी आमदनी देता है, वहां तक की नियुक्ति इनके हाथ में थी। बहरहाल पिछली सरकार के शराब नीति सवालों के घेरे में, ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि साल 2017-18 के लिए ठेकों का रिन्यूअल पिछली अखिलेश सरकार के क्षेत्राधिकार में नहीं था, तो क्या नई सरकार रिन्यूअल को अवैध घोषित कर रद्द कर सकती है? रिन्यूअल रद्द होने पर क्या हमारा सिस्टम नई व्यवस्था के लिए तैयार है? एक सवाल ये भी कि पिछली सरकार के इस कदम से हुई राजस्व हानि के लिए कौन जिम्मेदार है? लखनऊ से अमिता पारुल और दिल्ली से अनुराग चड्ढा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया 24/7। तो इस घोटाले पर सवाल खड़े करने वाले पूर्व प्रशासनिक अफसर हरिशंकर पांडे से हमारी लखनऊ संवाददाता अमिता पारुल ने बातचीत की।
क्या मसला है, बात कर लेते हैं हरिशंकर पांडे जी से। सर, जिस तरह से ये पूरा मसला आपने उठाया है, क्या कहना चाहेंगे, आबकारी विभाग में कितनी बैठे? आबकारी विभाग में देखिए, पांटी चड्ढा की जो शुरुआत हुई, पांटी चड्ढा का जो उदय हुआ वो शराब से ही हुआ था। इनका प्राथमिक जो उद्योग था वो शराब उद्योग ही था। वहाँ से इनकी पैठ शासन प्रशासन में बढ़ती गई। धीरे धीरे ये पूरे प्रदेश के, बल्कि न केवल इस प्रदेश के बल्कि उत्तराखंड के भी एक बहुत बड़े शराब माफिया के रूप में उभरे। और इनका असर अब तो वो दुनिया में नहीं है, लेकिन फिर भी उनके पुत्र या उनका ग्रुप आज भी उतना ही प्रभावी है और उन्हीं टर्म्स पे काम कर रहा है जिन पे पांटी चड्ढा किया करते थे। और उनमें पूरा सहयोग उत्तर प्रदेश शासन के वरिष्ठ अधिकारियों ने दिया है। इसीलिए इनकी मर्जी के हिसाब से शराब विभाग में हमेशा से आबकारी आयुक्त तथा प्रमुख सचिव आबकारी तथा कुछ प्रमुख शहरों के जिलाधिकारी, जहां शराब का व्यवसाय अच्छी खासी आमदनी देता है, वहां तक की नियुक्ति इनके हाथ में थी। उसका परिणाम ये हुआ है, जो सबसे बड़ा नुकसान भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने से पहले समाजवादी पार्टी की सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों ने किया, वो था शराब लाइसेंस का इस वर्ष का नवीनीकरण। किसी भी दशा में ये नियम है कि जब तक शराब के ठेकों की नीलामी न हो, तब तक शराब का ठेका किसी एक ग्रुप को या किसी भी व्यक्ति को दिया जाना पूर्णतः गैरकानूनी है, क्योंकि ओपन कंपटीशन के अभाव में ये अपने टर्म्स पर ठेका हथियाते रहे हैं। और इस वर्ष चूंकि इन्हें पता था कि हमारी सरकार बहुमत में नहीं आ रही है, और जब रिजल्ट और काउंटिंग शुरू हुई तो इसके पहले ही आनन फानन में सभी अधिकारी एकजुट होकर इन लोगों ने बैक डेट में शराब के ठेकों के आगामी वर्ष का ठेका, जो नई सरकार का अधिकार था, उसे नवीनीकृत कर दिया और बिल्कुल मिनिमम 10% 12% या 6% या 7% क्षेत्र के अनुसार बढ़ोतरी दिखाकर और उनसे लिखवा करके इसे आगामी वर्षों के लिए रिन्यू कर दिया है। ये प्रक्रिया पूर्णतया अवैधानिक थी। इसमें सीधे सीधे उत्तर प्रदेश सरकार के सैकड़ों करोड़ रुपए के राजस्व की हानि हुई है।